वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी तरफ से सभी व्यूअर्स को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं और देश के लिए वीरगति हुए उन भारत के संतानों को याद करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो आज पहली बार भारत के लिए ऐसा हुआ है कि भारत ने क्रूड ऑयल को रूपी के बदले परचेस किया है और इसके साथ भारत ने डॉलर के ऊपर से अपने डिपेंडेंसी को बहुत लेवल पे कम कर लिया है। ओरिजिनल प्लान ये था कि रशिया के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड किया जाएगा, पर क्योंकि रशिया इसके लिए युआन में पेमेंट करने को बोल रहा था, इसलिए हमने यूएई के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड चालू किया। मेन खबर यह है कि हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 1 मिलियन बैरल कच्चे तेल की खरीदी एडनॉक यानी कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से की थी और इसी कंसाइनमेंट में भारत ने लोकल करेंसी में ट्रेड किया गया था। लोकल करेंसी में अगर ट्रेड किया जाए तो सरकार की कन्वर्शन फीस बहुत ज्यादा हद तक बचती है, जिससे माल का दाम में ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखता है और यूएस के बहुत सारे सैंक्शन से भी हम बचते हैं। भारत और यूएई के बीच में 2022 से 23 के बीच में करीब 84 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हुआ है, जिसमें भारत ने यूएई को टेक्सटाइल, केमिकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिकल्स और सब्जी की एक्सपोर्ट की थी और इसका उलट हमने यूएई से ज्यादा परसेंटेज में ऑयल की खरीदी की थी। अब इस ट्रेड में हमें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा क्योंकि यूएई हमसे बहुत ज्यादा मात्रा में गुड्स को इम्पोर्ट करता है और ऐसे में वो हमें दिरहम में पेमेंट करेगा, जिससे लोकल करेंसी बहुत आगे बढ़ेगी। और इसका उलट रशिया हमें चाइना के युआन में पेमेंट करने को बोल रहा था, जो कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय।